हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बहुत ही कमाल के टॉयज एंड आइडियाज देखने वाले हैं, और इन सभी आइडियाज के लिए हम लोग ना ही ग्लू और ना ही टेप का यूज करेंगे। सो यार, हम लोग का फर्स्ट वाला आइडिया बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो इसके लिए पर मैंने एक A4 साइज के पेपर को लिया एंड इसको मैंने हाफ फोल्ड करके दो पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद इसको हम लोग बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे एंड अगेन खोल के फिर से इसके साइड वाले पार्ट को बिल्कुल बीच वाले लाइन में सटाते हुए फोल्ड करेंगे। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, जो लास्ट वाला आइडिया है उसको आप लोग मिस मत करना, वो आज के वीडियो का सबसे कमाल का आइडिया है। तो यार देखो, अब दूसरी बार भी हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल बीच वाले लाइन में सटाते हुए फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम लोग दोबारा से खोल लेंगे, ठीक है? उसके बाद इसके आगे वाले पार्ट से दोनों साइड से हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। यार ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको फोल्ड कर दे। उसके बाद हम लोग इसको पीछे पलटेंगे एंड आप लोग देख सकते इसको लगभग हाफ से थोड़ा सा आगे कुछ इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है? अगेन इसको हम लोग पीछे की ओर पलटेंगे एंड यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोग ये वाला जो फोल्ड किया हुआ पार्ट दिख रहा है इसको अगेन फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते पीछे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा एंड आगे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है? जब आप लोग इसको खुद से करोगे ना तो आप लोग को बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, ठीक है? सेम टू सेम इसके लेफ्ट वाले साइड को भी बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। तो चलो यार, फटाफट मैं इसको भी फोल्ड कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा से हम लोग पीछे कर पलटेंगे एंड यहाँ से कुछ इस तरह से इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे। पहले भी आप लोग दोबारा से देखना, इधर हम लोग पलटेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसको कुछ इस तरह से उठाना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग इसको जब आगे की ओर प्रेस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है? जस्ट आप लोग को थोड़ा सा इसको दिशा दिखाना है। अगेन इसको हम लोग पीछे कर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आप लोग देखना ये सबसे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है? अभी आप लोग देख सकते हैं इस वाले पार्ट को लेंगे एंड यहाँ पर अगेन जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले फोल्ड किया था उसी तरह से इसको भी फोल्ड करना है, ठीक है? चलो फटाफट यहाँ पर मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। तो यार फाइनली आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद ये हम लोग को बन चुका है एक ओरिगेमी पेपर स्वॉर्ड, जो कि लिटरली काफी कमाल का लग रहा है। तो यार चलो, अब हम लोग अपने नेक्स्ट आइडिया को देखते हैं एंड इसके लिए मैंने लिया है पर 10x10 सेंटीमीटर का स्क्वायर पेपर। उसके बाद इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया एंड अगेन मैंने इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया। उसके बाद मैंने इसको खोल लिया है। अब लगभग इतनी दूर से हम लोग कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको इधर पलटेंगे एंड आप लोग को ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है जस्ट यही से कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है, ठीक है? सेम टू सेम इसके दूसरे साइड को भी फोल्ड कर लेना है। यार ये काफी फनी चीज बने वाला, ठीक है? तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम लोग अगेन कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब की बार आप लोग देखो इसको लगभग इतने दूर से कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है? सेम टू सेम इसकी दूसरी साइड को भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो यार आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते इसको हम लोग दोबारा से कुछ इस तरह से इधर पलटेंगे एंड ये वाला आप लोग जो पार्ट दिख रहा है इस वाले पार्ट का मैं कट करके हटा देना, जो कि काफी इजी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको काफी अच्छी तरह से कट करके हटा दिया। अभी आप लोग ये वाला जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा राउंड राउंड करते हुए दो बार कट करेंगे। सेम टू सेम दूसरे वाले साइड को भी हम लोग कट कर लेंगे। वेल, यहाँ पर आप लोग देख सकते कट करने के बाद ये हम लोग कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आईज एंड फेस को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए यहाँ पर मैंने पेपर के आईज एंड फेस को बनाया, ठीक है? तो ये हम लोग एक बहुत ही फनी सा पेपर बैट बन के रेडी है। तो चलो यार, अब हम लोग आज के सबसे कमाल का आइडिया को देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग एक A4 साइज के पेपर को लेंगे एंड आप लोग अपने नोटबुक के पेपर का भी यूज कर सकते हो। यार अभी मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही मजेदार चीज भी बताऊंगा, तो उसको भी आप लोग जरूर से सुन के जाना एंड ये वाला आइडिया है ना आप लोग ध्यान से देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़े देर के लिए चुप हो जाता हूं। तो यार देखो, इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही सिंपल से डिजाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलो फटाफट यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें दो तरह के डिजाइन बनेंगे, ठीक है? अभी आप लोग आगे देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करने के बाद फटाफट इसको कट कर लेंगे एंड अगेन इसको पहले की तरह फोल्ड कर लेंगे एंड ये हम लोग कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जब हम लोगों ने इस शेप में इसको कट किया था तो ये हम लोग को कुछ इस शेप का बना था, ठीक है? उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग इसको सीधे करके कट करेंगे तो ये हम लोग कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। चलो दोनों को टेस्ट करके देखते हैं। यार देखो, ये जो बड़ा वाला था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट जब मैंने इस छोटे वाले को उड़ाया लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्लाई किया। थोड़ा सा हवा चल रहा था, बाकी ये बहुत दूर तक जाएगा। यार दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।